हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो होप ये साल आप सबके लिए काफ़ी बेहतरीन हो और इस साल में आप खूब ढेर सारा लर्न करें स्टॉक मार्केट के बारे में और लर्निंग को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को बढ़ाएं और उस स्किल के साथ होप आप खूब ढेर सारा पैसा अर्न करें। ये हमारी विशेष है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 जनवरी 2024 के लिए कौन से बेहतरीन स्टॉक्स होंगे जिसमें आप नए साल में उस स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं, कदम रख सकते हैं नए साल में। अगर आप नए हैं इस स्टॉक मार्केट में तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है नए साल में नया इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर हम कल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, मोटो है आपको सिखाना। सो हम आ जाते हैं अपने एंजल के डीमैट अकाउंट में जहां पे हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स अवेलेबल हैं। आपको करना है क्या, आपको सिंपली होम पे क्लिक करना है, हमें व्यू मार्केट पे जाना है और डेरिवेटिव मार्केट्स पे क्लिक करना है और हमें वो वहां पे उस जगह से स्टॉक ढूंढना है जहां पे बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन बना रहे हैं, जो कि है लॉन्ग बिल्डअप। बड़े प्लेयर्स इन सारे स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं। दूसरा होता है शॉर्ट कवरिंग, जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि अब ये स्टॉक नीचे जाएगा, अब लग रहा है कि अब ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा, यानी रिवर्सल आ रहा है इस स्टॉक्स में। तो यहाँ पे इन दो जगह पे हम स्टॉक्स को ढूंढेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी पे मैच करेंगे जो हमारी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, नीचे से व्यू मोर करते हैं और हम अपना हमारे लास्ट स्टॉक से शुरू करते हैं एनालिसिस करना। सो हमारे लिस्ट जो पहला स्टॉक निकल के आता है वो आता है ACC। सो ACC अगर आप देखोगे, सो हम अब पहले 4 आवर के चार्ट में एनालिसिस करते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी 3 स्ट्रैटेजी मैच करेंगे। सो पहली स्ट्रैटेजी क्या है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर होगा, 50 नीचे होगा, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पहला कंडीशन हमारा होता है मैच। दूसरा, 20 से 80 की तरफ जाता हुआ हमारा स्टॉकिस्टिक का रहा सही। अब आप यहाँ पे देखो 80 से ऊपर है, 91 के करीब में है, तो क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है, क्या हम इसमें रिस्क ले सकते हैं, तो ये हमें चेक करना है। तीसरा, 50 से ऊपर स्टॉक RSI, तो ये 64 RSI है। तो पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो एक हमारा कंडीशन नहीं मैच हुआ, बाकी का 2 कंडीशन मैच हुआ। अब हम देखते हैं इसके डे में, अगर डे में ये मैच हो जाता है तो ये तो वर्थ रिस्क टेकिंग हो सकता है। सो डे में अगर हम देखें तो हम यहाँ डे में आ जाते हैं और डे में हम ये अपना 3 स्ट्रैटेजी मैच करें तो 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, पहला कंडीशन होता है मैच। दूसरा, यहाँ स्टॉकिस्टिक RSI देखो, 20 से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, 35 है हमारे पास, 65-70% का चांस है यहाँ पे ओवर बॉट जोन में जाए तो हम आप प्रॉफिट ग्रैब कर सकते हैं। और RSI 50 से ऊपर है, यानी 66 पे है, तो यहाँ पे हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कंडीशन होता है मैच, तो हम इसमें पोजिशन बिल्कुल बना सकते हैं। अब हमारा इसमें टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। सो टारगेट के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा लेना है। तो ये हो गया पिवोट, अगर हम यहाँ लगाते हैं और हम यहाँ 4 घंटे के बेसिस पे आ जाएं, तो देखो पहला जो टारगेट आपका होगा ये अपना प्रीवियस हाई को तो तोड़ेगा। प्रीवियस हाई कितना है, 2260, यानी 40 पॉइंट का मूवमेंट हमारे पास बाकी है। तो पहला टारगेट ये 40 पॉइंट का मूवमेंट 2260 का होगा। दूसरा जो आपका होगा वो होगा हमारा 2300 के करीब में, और जो तीसरा टारगेट होगा वो लगभग 2400 के करीब में यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। तो 2300 तक हम अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 80 पॉइंट का मोमेंट होगा। तो ये हमारा हो जाता है पहला स्टॉक्स 1 जनवरी 2024 के लिए। और हमारा स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हम डेली व्यू पे आ जाते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस रखने का तरीका ये है कि अभी ये जो करेंट वीक कैंडल चल रहा है, 2 कैंडल का जो लो होगा उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि अगर हम यहाँ देखें तो ये है 2114, 2114 रुपये का लो है इस कैंडल का, तो ये या तो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर आप सेफर चाहते हैं कि हाँ एकदम सेफ साइड में जाए, तो आपको लगा लेना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जैसे ही आप लगा लेंगे तो सुपर ट्रेंड सो यहां लग गया, और यहां देखो आप 2020 बता रहा है। आप सुपर ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर ये जो 50 मूविंग एवरेज है 2058, इसको भी आप कर सकते हैं।
मैं जो फॉलो करूंगा, मैं इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे का फॉलो करूंगा, जो कि होगा हमारा इस कैंडल का लो यानी 2092 के करीब में हम थोड़ा सा सेफर साइड लेके चलेंगे, और इस हिसाब से हम अपना यहाँ पे सब कुछ डिसाइड करेंगे कि हमारा क्वांटिटी कितना होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा लॉस क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं ACC, हम यहाँ ACC में पोजीशन बनाएंगे। व्यू क्या होगा हमारा, डे का व्यू होगा। क्वांटिटी अभी डिसाइड नहीं करेंगे, अभी हम एंट्री डिसाइड करेंगे कि एंट्री क्या होगा। सो एंट्री हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल अगर मार्केट खुलता है तो 2225, 26, 27 के करीब में हम घुस जाएंगे, या फिर उससे नीचे आता है 2210, 15 के नीचे हम इंटर करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं 2227 में हम इंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस मैंने ये कहा 2092 इसका लो, तो हम यहाँ डिसाइड करेंगे हमारा 2092 होगा। तो हमारा रिस्क पर शेयर देखो कितना आ गया, यानी हम एक शेयर पे 135 रुपये खोने के लिए तैयार हैं। अब इस हिसाब से हम यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। तो सपोज आप 1000 आपका रिस्क है, या फिर आपका 2000 का 500 रुपये का रिस्क है, आप छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास शेयर कितना होगा, तो यहाँ पे आपके पास शेयर होगा 3 के करीब में। सो 3 आप करेंगे, और या 4 भी आप ले सकते हैं, तो 4 करेंगे तो 540 रुपया होता है। तो आपको यहाँ क्वांटिटी क्या करनी है, 3 करनी है। तो 3 आप करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा 405 रुपये का होगा। सो आप तो कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 405 रुपया खाऊंगा, अगर आएगा तो हमारा 810 रुपया आएगा, 2362 हिट हो जाता है तो 405 रुपया आएगा, 2497 हिट हो जाता है तो 810 रुपया हमारा प्रॉफिट बुक होगा। तो ये आप कॉन्फिडेंट हो गए। अब हमारा यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड क्या है, 6000 है, तो हमको उस हिसाब से हमको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी मैनेज करनी है। तो हम यहाँ अगर 40 क्वांटिटी लेते हैं तो हमको एक शेयर पे 5400 रुपये का लॉस होगा, 10800 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा होगा कल हम 40 क्वांटिटी उठाएंगे, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस 5400 रुपये का होगा। तो इस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, और इस हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को सीखें, ट्रेडिंग जर्नल को सीखें, रिस्क मैनेजमेंट सीखें कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क 200 रुपये का है, आपके पास एक शेयर होगा, आपको स्टॉप लॉस छोटा नहीं रखना है, आपको क्वांटिटी छोटी करनी है। तो चलिए अब दूसरा स्टॉक ढूंढ लेते हैं, दूसरा स्टॉक कौन सा होगा। तो फिर से हमें चल जाना है होम पे, होम पे जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे मार्केट में, या फिर डेरिवेटिव ट्रेड नेचुरल पे भी जा सकते हैं आप। डेरिवेटिव मार्केट आ गया, शॉर्ट कवरिंग मैंने आपको बताया था, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग दोनों में से स्टॉक्स छांटने हैं। तो ये जो मैंने ACC दिया था ये शॉर्ट कवरिंग में था, यहाँ का रिवर्सल दिख रहा था, तो यहाँ से हमने ACC उठाया था। अब फिर हम यहाँ पे मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टॉक्स हमारी स्ट्रैटेजी पे मैच होता है। सो जो दूसरा स्टॉक्स मुझे लगता है जो हमारी स्ट्रैटेजी पे मैच हो रही है, हालांकि इसका IPO रिसेंटली लॉन्च हुआ था, IREBA एरिडा। सो इसमें अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाया और आप सोच रहे हैं कि इसमें पोजीशन बनाने के लिए, तो बना सकते हैं। हालांकि ये वहाँ से नहीं है जहाँ से हम स्टॉक सर्च करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी पे मैच नहीं हो रहे थे, तो फिर हमने देखा एरिडा पे हमारा ये स्ट्रैटेजी मैच हो रहा है। तो यहाँ देखो आप एरिडा पे कितना शानदार स्ट्रैटेजी बना हुआ है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, टाइम फ्रेम कितना है, 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है, और 20 से 80 की तरफ जाता हुआ स्टॉकिस्टिक RSI, तो दूसरा कंडीशन मैच, और 50 को जस्ट क्रॉस किया हुआ है RSI यानी 51.69। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हमारा यहाँ मैच होता है एरिडा में, और सेम देख लेते हैं क्या 4 आवर के चार्ट में भी ये हमारा स्ट्रैटेजी मैच होता है कि नहीं होता है। अगर होगा तो ये 100% स्टॉक्स हम ले सकते हैं। तो आप देखो 4 आवर के चार्ट में 20 मूविंग एवरेज ऊपर, ये व्हाइट वाला 50 मूविंग एवरेज है जस्ट इसके नीचे, तो यानी 50 एवरेज ऊपर इसके नीचे, यानी पहला कंडीशन हमारा मैच हो गया। दूसरा स्टॉकिस्टिक RSI देखो जस्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी 15 पे है, तो हमारे पास अभी चांस है 80-85 कैप्चर करने के लिए, और 50 को क्रॉस करता हुआ RSI, यानी तीसरा कंडीशन, तीनों कंडीशन यहाँ हमारा मैच हो जाता है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। टारगेट क्या होगा, 114 पहला टारगेट होगा, दूसरा 123 का होगा, तीसरा 138 का होगा, ये टारगेट होगा, आपको लेके चलना है। अगर आप डे भी अगर आप इसका देखते हैं,
सो डे भी अभी कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी कितना दिन हुआ है इसको लॉन्च होते हुए, 29th of November को हुआ था, अभी एक महीना हुआ है इसको लॉन्च हुए हुए। सो उस हिसाब से आप पोजिशन बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रख रहे हो तो 5 महीना 6 महीना साल भर के लिए भी बहुत ही बेस्ट स्टॉक्स है, आप इसको कैप्चर करो। तो ये दो स्टॉक्स हैं, अब हम इसको अपने एक्सेल शीट में मेंटेन कर लेते हैं। हमने कौन सा IREDA लिया, हमारा व्यू क्या होगा, अभी हम डे पे जाएंगे, हमारा एंट्री कितने पे होगा, ये दिखाने का पर्पज ये है कि आप समझ सको 102-3 के करीब में हम 5 के करीब में एंट्री मान रहे हैं कि हमारा 105 के करीब में एंट्री होगा। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस अगर हम स्टॉप लॉस अगर रखें तो 3 आवर्स के चार्ट में अगर हम चले जाएं तो आप ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो जो कि लगभग 95 के करीब में है, तो 95 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं थोड़ा सा सेफर स्टॉप लॉस बोलूँगा आपको रखने के लिए, तो सेफर स्टॉप लॉस इस 50 का एवरेज का नीचे ले लो, यानी 90 है हाँ, तो 89 रख सकते हो, 87 रख सकते हो। हम चलो ये हम ये सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, इसमें सुपर ट्रेंड का हम स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि होगा हमारा 87 के करीब में। तो ये हुआ 87, तो हमारा रिस्क पर शेयर कितना आ गया 18 रुपये, यानी एक शेयर पे आप 18 रुपये का लॉस करोगे। अब इस हिसाब से हमको क्वांटिटी डिसाइड करनी है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट 1000 रुपये है या 2000 के अंडर में है तो आपके पास यहाँ शेयर कितना होगा, 100 शेयर होगा तो 1800 का लॉस होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 3600 का होगा, और यहाँ पे टारगेट 123 सीट होगा तो आपको 1800 का प्रॉफिट हो जाएगा, 141 सीट होगा तो आपको 3600 का प्रॉफिट होगा। तो हम इस हिसाब से रिस्क लेके चल रहे हैं, हमने स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा रखा है ताकि हम लंबे समय लंबा कैप्चर कर पाएँ, लंबा प्रॉफिट कैप्चर कर पाएँ। तो हमारा रिस्क 6000 पर ट्रेड पे है, तो हम उस हिसाब से हमारी यहाँ क्वांटिटी होगी, तो हमारी यहाँ क्वांटिटी क्या होगी, लगभग 250 क्वांटिटी यहाँ होगी, अगर हम 350 क्वांटिटी रख रहे हैं तो 6300 हो रहा है, तो हमें यहाँ अपनी क्वांटिटी कम करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ क्वांटिटी 300 करेंगे तो 5400 के करीब में आएगा। तो हम कल 300 क्वांटिटी से रिस्क लेंगे, 5400 का हमारा एक रिस्क होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 10800 का होगा, और जैसे ही 123 जाता है हमारा 1:1 का टारगेट भी हिट हो जाएगा। सो ये था पूरा एनालिसिस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मोटो आपको टोटली सिखाने का है कि स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है। सो सीखिए आप सैटर्न कैपिटल में, और होप ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, बेहतरीन हो। सो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विद सैटर्न कैपिटल। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके कोर्सेज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे इजाजत, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।